हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, गुड़, जैगरी इंग्लिश में बोलते हैं गुड़ यार, ये हम आम देसी जबान में गुड़ बोलते हैं, पता नहीं क्या जो मतलब आप भी यही बोलते होंगे, जैगरी गुड़ जो यही बोलते हैं ज्यादातर। हर किसी ने खाया होगा यार, चाय के साथ, मतलब हर चीज में चाय में डालकर, एज अ चीनी के भी अल्टरनेटिव यूज होता है, और गांव विलेजेस में तो हद से ज्यादा खाया और बनाया जाता है। तो भाई आज हम देखेंगे भी डाल कर, हाँ, आज हम गुड़ की मेकिंग देखेंगे, इंडिया में किस तरह बनता है और पाकिस्तान में कैसे बनता है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पहले पाकिस्तान में फैक्ट्रियां नहीं, यही ऐसे बनाया जाता है पाकिस्तान में। ये गर्म किया जा रहा है उसको, ये उसको सारा गर्म कर रहे हैं यार। वो जो शुगर कैन जूस नहीं निकला उसको, ये पुराना स्टाइल यही है भाई। हाँ, ऊपर से अच्छा जो गन वंद आ रहा है उसको फेंकी जा रहे हैं। इसमें इतनी हाइजीन भाई, आपको पता है पहले से पाकिस्तान की ऐसी है, तो इसमें हाँ यही होगा। उधर ही चमचा वही मार के फिर वही फेंक रहे हैं, अंदर मार रहे हैं, मतलब वैसे। अब इंडिया में देखते हैं सफाई है कि नहीं, क्योंकि ये काम जो है इसमें हाइजीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। ये जिस तरह का काम है, हाँ, ये प्रोसीजर ऐसा है ना, ये ऊपर से जो भाई आता है शायद वो जो नहीं है काम की झाग वगैरह जो लगता है, बड़ा गंदा सा होता है। हाँ, बड़ा गंदा होता है ना भाई ये, तब इसको लगता है साइड पे काट लेते हैं। हाँ भाई, झाग शाग साइड में की जा रही है, बड़ी सी कढ़ाई है भाई, उसके अंदर बांध रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जम गए। हाँ, ये लगता है अब इसका वो गरम हो के, थोड़ा सा गरम हो के ना, थोड़ा वो अब सॉलिड सा हो गया। हाँ, एक फॉर्म सी बन गई है, अभी भी लिक्विड लेकिन थोड़ा सख्त हो गया, कम हो गया, पानी अंदर से बहुत खत्म हो गया, अभी भी है लेकिन बहुत खत्म हो गया। अब वो सारी कढ़ाई को खींच रहे हैं अंदर से। हाँ, प्रोसीजर इतना कुछ साफ नहीं है, लेकिन गांव-शांव में ऐसी ऐसे ही होता है यार, इधर कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो है, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है। आप देखो इंडिया में फैक्ट्री है या नहीं, वो इंडिया की वीडियो में पता लगेगा। भाई वैसे हम खाते हैं लेकिन प्रोसीजर ऐसा गुजरता है, बड़ा ये होता ही ऐसे, हाँ ना, होता ही ऐसे प्रोसीजर इसका, पाकिस्तान में प्रोसेस ही यही है, यही प्रोसेस है। मैंने जिधर भी देखे यही प्रोसेस है, बड़े से बड़े भी गुड़ बना रहे हो, फैक्ट्री है ही नहीं इसकी। अगर कोई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, मुझे नहीं नजर आई। यही होता है, ये ज्यादा विलेजेस इन जगह से निकल के फिर शहरों में बिकता है। हाँ भाई, ये चेकिंग हो रहा है कि सॉलिड हुआ है सही के नहीं। वो अभी उसको मारा गया सारा, ये और सख्त हो गया। हाँ, वो चम्मच मारा है उसके अंदर, इसको सख्त और कर दिया भाई। ये जब इस तरह फ्रेश कंडीशन में होता है ना, इसमें बड़ी मूंगफली चम्बल डालकर खाने के लिए भी बनाते हैं, वो पतीसे सतीसे ये वो बादाम वगैरह डाल के वो फिर खाता है बंदा। ये कढ़ाई शढ़ाई में डाला है भाई, कितने गंदे से कितना छोटा सा रह जाता है, सारा जंग शंग इसी के साथ लगा है। भाई ये एल्युमिनियम के होते मजा आ जाता वैसे। हाँ, ये लोहे का है। हाँ, लोहे की जगह एल्युमिनियम होते ना, वो कुकिंग ग्रेड वाले, फिर थोड़ा मजा आता। हाँ भाई, हाँ, अब ये उसको गोल गोल जो हमें फिर जिस फॉर्म में मिलता है, ये फिर थोड़ा सूख जाता है तो सख्त हो जाता है। इसमें और भी छोटी सी इसको करेंगे, इससे भी छोटी होंगी भाई, करना चाहो ये वो, इसकी पाउडर बनाना है तो पाउडर भी बना सकते हो। हाँ भाई, वो तो वो फैक्ट्री में होता है, वो पाउडर फैक्ट्री पीसिंग वाली क्रशिंग मशीन होती है, ये बन के क्रशिंग मशीन से वो पाउडर बनता है, वो जाता है, ये मेन प्रोसेस है। लेकिन मेन हम ज्यादा इसी तरह खाते हैं यार, ये वाला गुड़ हम इस फॉर्म में लाते हैं, जब भी घर लाते हैं ना, ये फॉर्म में देखो गोल गोल रख के फेंक नहीं रहे, इस फॉर्म में लाते हैं।
यार विलेजेस का भी एक अपना अंदाज है बनाने का। इसकी चाय बड़े मजे की बनती है, मैंने पी हुई है यार। भाई वैसे एक बात करूं, विलेजेस में एक अपना अंदाज है इन लोगों का बनाने का यार। विलेज मतलब यार, ये विलेज में एक साफ ही है, मतलब इसको हम बुरा भी नहीं कह सकते, ये हमारे सदियों से ये चीज चल रही है, इंडिया पाकिस्तान साउथ एशिया में ये सदियों से चल रही है, तो इसको हम बुरा भी नहीं कह सकते यार, यही प्रोसीजर है। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि इस प्रोसीजर पे सदियों से ये चला आ रहा है प्रोसीजर। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल, गन्नों से ये बनाना। हाँ भाई सही बोला, वो देखो बोरिया पीछे भर के रखी हुई है। हाँ हाँ, विलेजेस में सदियों से बनते आ रहे हैं ये गुड़ छोड़। इंडिया पाकिस्तान सार बात है कि इतिहास है, इंडिया में भी मोस्टली गांव में गांव में इसी तरह ही होता होगा। हाँ। इस तरह गोल करके अब ये बनता जा रहा है। देखो और छोटी कार है जो बड़ी है, देखो अब कैंडीज वगैरह उसमें हाइजीन समझ आती है, लेकिन इसमें चलो यार चाय के अंदर ही गर्म होके बन जाता है, उसमें गर्म नहीं करते ना। हाँ भाई बिल्कुल, कितना सख्त हो गया, सख्त हो गया। पश्चो बोल रहे हैं गाइस, ये बन रहा है काफी। ओए अच्छा, इतने सारे गन्ने के जूस से कितना थोड़ा सा निकलता है, बड़ा खर्चा आता है इसमें जो पानी ऊपर ज्यादा होता है। इधर भाई ये 1000 रुपए केजी है ना, इधर ये पाकिस्तान में गुड। हां ना ना, 5 केजी 1000 रुपए का है। नहीं भाई, हां हां 5 केजी 1000 रुपए का है, चीनी से महंगा है गोल्ड। हाँ हाँ, नहीं यार भाई 5 केजी 1000 रुपए का, 300 रुपए केजी इस तरह नहीं है। नहीं नहीं, इंडिया में क्या रेट है इसका बताना यार, हमारे फादर इला अभी उधर तो ऑटोमेटिक प्लांट है इसका भी, जेगरी का भी प्लांट है इधर, जेगरी का भी प्लांट है, ये तो ऑटोमेटिक फुल प्लांट है भाई। हाँ। मतलब यार उधर हर चीज मशीन पे है, उधर है यार बड़े बड़े प्लांट लगे हुए यार, ये सारी देखो ना मशीनें लगी हैं, ये गन्ना आया। हाँ भाई उधर हर चीज का प्लांट है यार, ये कैन के कर है, मतलब हाँ कैन आगे से हाँ क्रश कर रहा है, लेवल कर रहा है। हाँ ये लेवलर है, वो फाइबराइजर है, फिर कितनी मशीनें है यार, ऊपर जा रहा है प्रिपेयर्ड कैन एंड एफआरसी। ओ भाई ये कितनी मशीन है उधर यार, हर चीज की मशीन है। फसलों से घना है और इस तरह प्रोसीजर हो के सारा ये कि आप यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं, आप जूस एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। प्रिपेयर्ड कैन जो होते हैं, मतलब इसके अंदर डाल दे शुगर कैन जो होते हैं ना, ये बेल्ट कन्वेयर बेल्ट कोई लगी है भाई, यहाँ उधर से आ रहा है। हाँ ये लगा हुआ है, देखा है? हाँ उधर से जूस निकल रहा है, ऊपर से आ रहा है, इसमें पीस के निकलता जा रहा है, ये गन निकल रहा है। हाँ। और जूस दूसरी साइड निकल रहा होगा, जूस निकल रहा है, जूस है ये, जूस है, मुझे तो पत्ते शत्ते लगे हैं, ये जूस है। हाँ वो नीचे टब है उसके अंदर जूस जा रहा है, बिल्कुल जूस निकल रहा है, वो सारा जूस उसके अंदर नीचे कोई टब सा लगा हुआ है उसके अंदर जा रहा है। हाँ भाई बिल्कुल, वाह यार इधर तो गन्ने वाली मशीन रखी हुई थी उसके अंदर जा रहा है। एडवांस मिल टैंडम है इसका भाई, ये वाला बोल वाह यार, ये प्रोसेसर भी दिखाया हुआ है, मतलब किस तरह मशीन वर्क करती है ये भी बताया हुआ है, ये सारा है ना। अच्छा ये सफाई और ये उसके अंदर जा रहा है, मतलब वो जो जूस अलग किए जा रहा है और अंदर बीच में जो जरात है वो छने जा रहे हैं। हाँ भाई यार पर अलग प्रोसेस चल रहा है, रहा जूस है सिर्फ, ये सिर्फ जूस उसका पड़ा। ऑटो स्कम रिमूवल जो अंदर से गन शांत है वो अच्छा सारा, अच्छा वो ऊपर जो हमारा वो चमचे से हटा रहा था, ये ऊपर से वो चमचे से हमारा वो चमचे से हटा रहे थे ना, मशीन हटा वो गर्म कर रहा है, वो मशीन गन को हटाई जा रही है। हां हम समझ गए, हमारा तो चमचा इस तरह करते थे और हटा दे, बड़ी मेहनत है इसमें, मेहनत इतनी नहीं है, मशीन भाई बहुत बड़े लेवल पे मशीन कर रही है और इस पे बहुत बड़े लेवल पे घोड़ा बांध रहा है। हां भाई इंडस्ट्री है ना, जैगरी मेकर्स अब बताए जाएंगे, ये देखो भाई वो गरम आ रहा है। हाँ ये गरम जूस बिल्कुल आ रहा है भाई, उसको फिर गरम किया जा रहा है भाई, क्या प्रोसीजर है यार, मशीन घूम रही है अंदर, सारा मशीनी काम है उधर यार। हाँ।
ये गरम बिल्कुल कड़ा रखे हुए बड़े बड़े भाई, बड़ी बड़ी कड़ाइया रखी हुई है। हमारे पास तो इसके सामने कुछ है ही नहीं, हमारा काम यार वाकई में इसके सामने हमारा कोई काम नहीं यार। ये बन गया उस फॉर्म में जो हमारा पाकिस्तान में बना हुआ था, देखा था ना? अब मशीन ये ला देखा है? वो हम उधर खुद चमचे से ला रहे थे ना, उधर मशीन ला रहे। बड़ा वो ड्रम था, वो कितना असर है। हाँ भाई एक बार देखो ना, थोड़ा सा रहे बोल भरा हुआ था कितना अच्छा, वो नहीं निकल रहा है, उसमें से निकल रहा है। अब मैं समझ गया, वो कब काम आपको निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, वो चला ही जा रहा है, जो जो निकालता है वो निकल रहा है, निकल रहा है। समझे भाई, अब कूल कर, ठंडा करने के लिए कूलर है जहाँ पे ठंडा होगा भाई। ये देखो वो उधर सुराख से इधर आ रहा है, वो देखा है ना जो सुराख ऊपर से ला रहा है, फिर इधर आके वो ठंडा कर रहा है इसको। ओए होए होए होए, वो मशीन चल रही है यार, बहुत एडवांस सिस्टम इंडिया में यार, है ना भाई? बिल्कुल। ये और नीचे फेंक रहा है। हाँ भाई एफर्टलेस पैकिंग, वाकई एफर्ट ही नहीं मतलब लोगों का लगा। हाँ भाई सारा मशीन काम कर रही है। ये देखो जालियां रखी है, फिर ये क्रशिंग करानी है तो क्रशिंग हो जाती है। ये देखो भाई ऊपर से वो वाल खोलता है। यार क्या आसान तरीका है इंडिया में यार, बहुत आसान है यार, हर चीज को इतना इजी कर रखा है इंडिया ने यार। सही बात है। ये फिर पूरे पूरे वो जो तैयार थे वो पूरे पूरे वो करते पड़े। अब क्रशिंग करानी है, पीस करने हैं, जो करने हैं आप इससे आराम से कर सकते। कमाल है यार। हाथ लगा है कहीं पे? नहीं, एक जगह पे बताओ मुझे हाथ हाइजीन देखो। नहीं लगा एक जगह पे। हम गांव पाकिस्तानी गांव के भी हम नहीं कहते यार, उसमें कोई गंदगी नहीं थी, उन्होंने जाहिर बात है हाथ शायद साफ कर लिए होंगे, और बूढ़े लोग होते हैं इसी तरह बनाते हैं, उनको कोई देखो आपको नहीं गांव शाम में, हम आज उनको भी बुरा नहीं कह रहे। मैं एक और बात बताऊं, लेकिन इंडिया में भी काफी सारे विलेजेस ऐसे हैं जिसमें ऐसे होता होगा, विलेजेस में प्रोसीजर यही होता है, लेकिन इंडिया में इस लेवल की फैक्ट्रीज भी है। मैंने सर्च की है पाकिस्तान में फैक्ट्रियां, एक भी फैक्ट्री नहीं मिली, यही प्रोसीजर था सारा। बिल्कुल यही प्रोसीजर था पूरे पाकिस्तान था यही, और कोई फैक्ट्री शैक्ट्री नाम की चीज नहीं थी। और इंडिया में फैक्ट्री यार एक बात है, इसमें मेहनत बहुत है यार, इस काम में मेहनत बहुत है, और इंडिया में वो मशीनरी से सारा मशीनरी कर रही है यार। वो भाई हर चीज हमारा वो कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी वाले में बड़ा मुश्किल से बना है, मेहनत है वही क्या, लेकिन इसमें मेहनत ही नहीं है यार। वाकई में यार पाकिस्तान में जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं यही है, हमें फैक्ट्री का नहीं पता, सच बताऊं मैंने नहीं देखी अभी कोई हो तो होगी, हमें नहीं पता है। लेकिन इंटरनेट में हमें एक भी नहीं मिली, में कितनी फैक्ट्रीज बनी है, और गांव में जो आजकल जो गांव वाले लोग हैं वो हमारे पाकिस्तानी प्रोसेस ही अपनाते हैं। हां लेकिन वो भी सफाई एक अलग चीज है, वो होती होगी, लेकिन प्रोसेस यही होता है इसका, प्रोसेस जो विलेजेस वगैरह में, लेकिन इंडिया में जिस तरीके से ये प्रोसेस मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। और भाई ये प्रोसीजर जो है ना भाई, ये देखो उन्होंने हाथ तक टच नहीं किया, नहीं किया, नहीं टच, नहीं टच इंडिया में। हां बिल्कुल नहीं। एंड में जिसमें भर रहे थे वो भी जाली वाले, वो था वो जाली क्या जाली जो भी था वो। तो यार मजा आया गाइस, इस तरह की और भी वीडियो सजेस्ट आप हमें कर सकते हो, मतलब जरूर हमें आप बताइएगा, हम लेकर आएंगे। तो अपना गाइस बहुत-बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार